आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न दिया है, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाला नियत अक्षर त्रिज्या आर का एक गोला निर्देशांक अक्षों को ए बी और सी पर काटता है। त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का बिंदुपथ क्या है? माना बिंदु ए का निर्देशांक ए शून्य शून्य, बिंदु बी का निर्देशांक शून्य बी शून्य और सी का निर्देशांक जीरो जीरो और सी हो, तो गोले का समीकरण हो जाएगा एक्स की घात दो वाई की घात दो जोड़ जेड की घात दो घटाओ ए एक्स बी वाई घटाओ सी जेड बराबर शून्य। इसलिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा रूट में a स्क्वायर बटा चार जोड़ b स्क्वायर बटा चार जोड़ c स्क्वायर बटा चार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चार r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। मान लिया गोले का केंद्रक बराबर है अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा ए जोड़ जीरो जोड़ जीरो बटा तीन, बीटा बराबर हो जाएगा जीरो जोड़ बी जोड़ जीरो बटा तीन और गामा बराबर हो जाएगा जीरो जोड़ जीरो जोड़ सी बटा तीन। और यहाँ से ए बराबर हो जाएगा तीन अल्फा, बी बराबर हो जाएगा तीन बीटा और सी बराबर हो जाएगा तीन गामा। इसको समीकरण दो मान लेते हैं। अब समीकरण दो में से समीकरण एक में मान रखते हैं ए बी सी का, तो हमें मिलता है तीन अल्फा की घात दो जोड़ तीन बीटा की घात दो जोड़ तीन गामा की घात दो बराबर चार आर स्क्वायर। और यहाँ से आएगा नौ अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर बराबर चार आर स्क्वायर। इसीलिए बिंदुपथ हो जाएगा, बिंदुपथ बराबर हो जाएगा नौ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर बराबर चार आर स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नौ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर बराबर चार आर स्क्वायर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।